नमस्कार, जय माता की। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको गुरु पूर्णिमा के महत्व के बारे में बताने जा रहा हूं। इसे ही व्यास पूर्णिमा के नाम से कहा जाता है। शास्त्र में लिखा है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञाना जल शलाकया चक्षुर निमीलितम येन तस्मी श्री गुरुवे नमः। गुरु शब्द का अर्थ यह है, गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है दूर करने वाला। जो अंधकार को दूर करे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले आए, उसे ही गुरु कहते हैं। शास्त्रों में भगवान वेद व्यास ऋषि जी, जिन्होंने 18 पुराण, 4 वेद, 108 स्मृति लिखी है, उनकी स्मृति में ये दिन जो है मनाया जाता है, तभी से ये परंपरा जो है वो प्रारंभ हुई है। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आता है। इस वर्ष ये गुरु पर्व 5 जुलाई 2020 रविवार वाले दिन आ रहा है। इसका विशेष महत्व है, प्रत्येक शिष्य को अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव जो है वो रखना चाहिए। इस उपलक्ष्य में ही मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं कि जब भगवान कृष्ण जी और उनके बड़े भाई बलराम जी विद्याध्ययन करने के लिए संदीपनी गुरुजी के आश्रम में गए थे, तो वहाँ गुरुजी से इन दोनों ने 64 दिन में 64 प्रकार की विद्या जो थी वो प्राप्त कर ली थी। और विद्या संपूर्ण होने पर दोनों ने अपने गुरुजी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा कि गुरु महाराज, आपके आशीर्वाद से हमारी विद्या जो है वो पूर्ण हो गई है, अब हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, आप हमें आदेश दीजिए कि हम गुरु दक्षिणा के रूप में हम आपको क्या दे सकते हैं। तो गुरु महाराज जी ने जो ना होने वाली चीज थी, शिष्यों के समर्पण भाव को देखते हुए, उनकी भावना को देखते हुए उन दोनों को कहा कि यदि आप गुरु दक्षिणा देने ही चाहते हैं तो मेरा एक पुत्र जो है वो समुद्र में डूब करके मर गया था, यदि आप उसे जीवित करके ला दें तो ये ही गुरु दक्षिणा होगी। तो ना होने वाली चीज़ को भी भगवान कृष्ण जी और बलराम जी दोनों ही अपनी सच्ची भावना से अपने फर्ज को पूर्ण करने के लिए और गुरु के आदेश को पूर्ण करने के लिए वो यमपुरी में गए और वहाँ से उनके मृत पुत्र को लाकर जीवित करके लाकर के अपने गुरु जी के आगे समर्पित कर दिया। ऐसा ही प्रत्येक शिष्य में समर्पण भाव होना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु की जब भी पूजा करनी है तो गुरु की मूर्ति का ध्यान करना आवश्यक है, और जब पूजा करनी है तो गुरु के पैरों के अंगुष्ठ की पूजा करनी चाहिए, और जो गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है, दीक्षा द्वारा दिया हुआ, उसका हमें सदैव जाप करना चाहिए। इनके करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज मैं इस गुरु पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज की कृपा जो है वो सभी पर बरसती रहे, उनका आशीर्वाद जो है वो सदैव मिलता रहे। जय माता की।